नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर जो है सत्यव्रत ब्लॉग। और देखिए ये जो फार्म हाउस में हम आए, जितना भी डॉग फार्म है और गाय का फार्म है उसको देखिए। और ये इधर जो मेरे पीछे वाला देखिए, ये वाला बन रहा है अभी, मुर्गी का पोल्ट्री फार्म बन रहा है। और कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा चीज़ देने के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब पूरा मुफ्त है, और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़रूरत होगा तो आपको मेरे से भी बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, ठीक है। इंस्टाग्राम का आईडी मेरा सेम है सत्यव्रत ब्लॉग। तो चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको इसका जो फुटेज है और पूरा नज़ारा देख लीजिए। ये वो वाला पीछे वाला, ये वाला पीछे वाला जो काव का है, और ये पूरा साइड है। ये बन रहा है आपका पोल्ट्री फार्म बन रहा है। अभी पूरा बारिश का मौसम शुरू हो गया मानसून का, तो थोड़ा जो वेदर है वो क्लाउडी है, फिर भी ठीक है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, पसीना भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के लिए। जो अगले वीडियो में मैं दिखाया था, जस्ट इंट्रोडक्शन था वो फार्म के बारे में, और अभी जो दिखाऊँगा बड़ा डिटेल में, और डिटेल क्या थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ। वो वाला नीम का पेड़ है, ये सब आपका मैंगो का, आप लोग आइएगा इधर खाइएगा ना, पूरा पता चल जाएगा। ये वाला बहुत अच्छा मैंगो है, इसको चौसा बोलते हैं, और एक ठो है दूसरी है। तो ये सब अच्छा अच्छा क्वालिटी का इधर पेड़ है, तो आपको मैंगो भी ज़रूरत होगा तो मैंगो भी आके ले सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। और बहुत सारा पेड़ है इधर, उसके पीछे तो सागवान का है, नारियल का पेड़ है आगे, और गाय का फार्म है, और बहुत कुछ है। आप देखिए और विजिट कीजिए ये फार्म में। आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूंगा, फार्म का ओनर का, जो मेरे रिश्तेदार हैं, तो उनको थोड़ा आप बात कीजिए और पता लगाइए आपको क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, सब वो बता देंगे, ठीक है। और ये देखिए ये पेड़ भी देखिए, बहुत पुराना पेड़ है। और मेरा लड़का और मेरा भतीजा भी आया हुआ है, ठीक है, उन लोगों को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं आपको। ये देखिए वो दोनों है, वो खड़े हुए हैं दोनों, हाय कर दीजिए, ठीक है। और लाल वाला मेरा लड़का है, और ऑरेंज वाला वो वाला मेरा क्या बोलते हैं भतीजा है, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों डॉग्स को कैसे ब्रश किया जाता है, ये रूटीन वर्क होता है, एक दो दिन में किया जाता है, जिससे कि आपका डॉग्स को जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो नहीं होते हैं, और जितना भी बाल गिरने वाला वार होता है उसको भी निकाल दिया जाता है, जिससे कि उसका चमक भी अच्छा रहता है और उसका हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो इसलिए ये रूटीन वर्क होता है, ये एक दो दिन में करना चाहिए आप लोगों को, अगर आप लोग डॉग रखते हैं तो। और उनको नहला भी जाता है, नहलाने के बाद इसको ड्राई किया जाता है, उसके बाद ये सब किया जाता है। तो अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो और आगे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दाता दवा
नो 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 सिट 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 Oh.